हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इनिशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक स्टॉक ओके कल से एनएससी पे लिस्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा, उसके बारे में जानेंगे, कंपनी करती क्या उसके बारे में जानेंगे, उसके बिजनेस एनालिसिस करेंगे और बात करें तो उसका कुछ टेक्निकल्स भी देखेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर बात की जाए आज की डेट में तो अभी एक वीडियो अपलोड करी है उसे देख लीजिएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ से रिलेटेड एज वेल एज अगर बात करें कल की वीडियोज़ हैं इन्हें भी जाके आप देख लीजिएगा। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं ओके उसके कुछ पैरामीटर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आज की डेट में देखें तो केवल एक न्यूज़ की वजह से ओके ये शेयर ऑलरेडी BSE पे लिस्ट है, पहले ही बता देना चाहता हूँ। ये जो चार्ट पैटर्न है ये BSE का है। तो आज एक न्यूज़ आई कि हाँ SEBI ने उसे नोट दे दिया है कि हाँ ठीक है आप NSE में लिस्ट कर सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पर आज की डेट में शेयर लगभग 18-19% भागता हुआ दिखाई दिया। 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो भी देख सकते हैं पॉजिटिव है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो वो भी देखिए वो भी पॉजिटिव है। 1 ईयर का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। 5 ईयर का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे, मतलब खलबली वाला स्टॉक है। और अगर देखते हैं मैक्सिमम तो चार्ट पैटर्न तो देखिए ऊपर है, बट अगर बात की जाए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देगी। अच्छे खासे लेवल पर ये शेयर गिरता हुआ भी नज़र आता है। और अगर बात की जाए किस किस तरीके का स्टॉक है, क्या कंपनी काम करती है उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। बट इससे पहले रिटर्न की बात कर ले तो आप देख सकते हैं 1 डे में लगभग 19% के रिटर्न, 1 वीक में 23, 1 मंथ में 38, 3 मंथ में 52, 6 मंथ में 60 और 1 साल में 222% के रिटर्न दिए इस कंपनी ने। और लॉन्ग टर्म की बात करें 10 ईयर्स में लगभग 2000% के रिटर्न। तो जो कंपनी इस तरीके के बेहतरीन रिटर्न्स देती हुई नजर आती है ऐसी कंपनी पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। और यहाँ पर बट कुछ चीज़ें यहाँ पर और अब नेगेटिविटी दिखाती है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर है। तो पल में माशा पल में तो अब मतलब गिर भी सकता है बहुत ज़्यादा, अपने टॉप से सीधे गिर सकता है। तो अगर हम जानते हैं जाने की कंपनी का नाम क्या है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कंपनी का नाम है चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो कल से अगर बात करें यहाँ पर देख सकते हैं चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट हैज रिसीव अप्रूवल फॉर लिस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ऑन द NSE, मतलब NSE पर यह कंपनी लिस्ट होती हुई नजर दिखाई देगी। कब? कल से। यहाँ पर देखिए डीलिंग ऑन NSE 12th में, मतलब कल की डेट में ये शेयर शायद आपको भागता हुआ नजर आ सकता है NSE पर जब ये लिस्ट होगा। और काफ़ी चर्चे में भी था तो आपकी इसकी तरफ आप नज़रें बना के रख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी करती क्या है तो यहाँ पर महारानी ओके ये बासमती इंडियन बासमती राइस में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। बासमती राइस का दावत और KBCL की अगर बात की जाए एक शेयर ऑलरेडी हमारे मार्केट में अवेलेबल है NSE पर भी लिस्टेड है। और बात करें एक और शेयर यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है महारानी इंडियन बासमती राइस। तो ये बासमती राइस देता हुआ नजर आता है और भी इनके अलग अलग प्रोडक्ट है आई थिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जाएंगे इनके प्रोडक्ट सेक्शन में तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये महारानी रॉ ओके बासमती राइस, यहाँ पर हेल्थ बासमती राइस रेगुलर प्रोडक्ट्स, ये भी मतलब ये राइस में ही कंपनी काम करती हुई आपको नजर आएगी। सिंपल इनका बिजनेस केवल राइस का ही है। तो यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो कंपनी यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप भी नहीं कहेंगे माइक्रो कैप ही कहेंगे, 533 करोड़ रुपये की कंपनी है। तो ज़्यादा आप में इन्वेस्ट करके नहीं चलना है, आपका शेयर मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पर ऑलरेडी देख ही चुके हैं। और ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो शायद यहाँ पर कल की डेट में अगर शेयर गिरता है तो अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। बट कुछ पैरामीटर अगर देखें तो कोई भी प्लेजिंग नहीं है। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 15% का यहाँ पर डेट है ओके। ROC की बात करें 22 और 21 की ROC पे चल रहा है काफी। और अगर बात करें इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भी इस कंपनी के बारे में कुछ आपको पढ़ना है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ओके। और अगर बात करें ये कौन से 250 DMA के ऊपर ये शेयर अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स, तो सेल्स यहाँ पर सीधे अच्छी खासी मार्च में सेल्स थी, उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो इस बार सितंबर और दिसंबर में थोड़ी गिरावट होती हुई नज़र आई है, मतलब सेल्स भी ऊपर नीचे होती हुई हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 9 करोड़ रुपये का प्रॉफिट 20 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया है जो कि सबसे ज़्यादा है। बट इससे पहले यहाँ पर 2 क्वार्टर जून और मार्च 2020 में यहाँ पर ज़्यादा होता हुआ नेट प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया था।
जाएगा। इसके अलावा और कुछ बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस करता हुआ ये शेयर नजर आएगा। अगर बात करें 153 करोड़ रुपीज़ का सेल्स आज की डेट में 849 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो चुका है, और बाकी नेट प्रॉफिट की बात करें 3 करोड़ रुपये का प्रॉफिट 81 करोड़, मतलब कंपनी कंसिस्टेंसी दिखा रही है यहाँ पर अपने प्रॉफिट में, अपनी कंसिस्टेंसी दिखा रही है सेल्स में, तो कंपनी इज डूइंग अ बिजनेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ पैरामीटर्स से रिलेटेड, ओके अभी इसके रिजल्ट आए नहीं है, तो अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट, तो यहाँ देखिए रिजर्व्स, कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स है, 17 करोड़ के रिजर्व्स 301 करोड़ के रिजर्व्स में चेंज हो गए हैं। बोरिंग की बात करें तो लगभग 48 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर बोरिंग है कंपनी के पास, जो कि घटते हुए मैनर में हमें दिखाई दे रही है। कंपनी अब कर्जा कम कर रही है अपना। यहाँ पर कैपिटल वर्क प्रोग्रेस में अगर देखें तो लगा CWIP 13 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल भी 98 करोड़ रुपीस का यहाँ पर होता हुआ नज़र आया सितंबर में। इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 141 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश भी है। इसके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स देखते हैं तो कंपनी के पास जो भी पैसा आता है, देखिए कैश फ्लो अभी तक नेगेटिव में था, अभी मार्च 2020 में यहाँ पर पॉजिटिव में कैश फ्लो यहाँ पर आता हुआ नज़र आ गया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है 73.87, मतलब प्रमोटर जानते हैं अपनी कंपनी को कि हमें शेयर नहीं बेचना क्योंकि हमारी कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। FIs की बात करें 0.04% है, DIs की बात करें तो 0.10% है, पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर 1.3% की यहाँ पर होल्डिंग रखती हुई नज़र आ रही है, मतलब 26% की होल्डिंग है, इसमें से 1.3 मनोहर देवा बकोटुनी यहाँ पर 1.3। इसके अलावा अगर बात करें तो लगभग 24 से या 24.7 के लगभग यहाँ पर पब्लिक के पास होल्डिंग नज़र आती है। FIs DIs ज़्यादा रोल यहाँ पर प्ले नहीं करते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HNIs भी ज़्यादा हावी हो सकते हैं। तो इस शेयर में कंपनी में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करके चलना नहीं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र एज वेल एज खुद की स्टडी डेफिनेटली करनी है, ओके उसके बाद ही आप यहाँ पर निवेश करने की सोचना। बाकी अगर बात करें तो LT फूड्स ऑलरेडी हमारे मार्केट में है, KRBL जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये दो स्टॉक ऑलरेडी हमारे मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखाई देते हैं, जो कि राइस से रिलेटेड ही है, जो राइस हमारे मार्केट में ट्रेड करते हुए नज़र आते हैं। तो ये जो चमनलाल है, चमनलाल सेठिया जो ये स्टॉक है, कल से आपको NSE पर भी लिस्ट होता है वो दिखाई देगा, और कल की डेट में मेरे हिसाब से ये कल की डेट में भागता हुआ नज़र आ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।